राजनांदगांव जिले के छुरिया नगर पंचायत के भाजपा के 8 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर जिला अध्यक्ष भाजपा मधुसूदन यादव ने आदेश जारी किया है। इन सभी के ऊपर पार्टी विरोध आचरण करने के संबंध में मंडल महामंत्री ने नोटिस जारी किया था, जिसके प्रति उत्तर में इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर अब पार्टी ने भाजपा के 8 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। वही निलंबित हुए पार्षदों में त्रिवेणी कुंभकार पार्षद वार्ड नंबर 12, भूषण ठाकुर पार्षद वार्ड नंबर 14, भारती रजक पार्षद वार्ड नंबर 6, सलमान खान वार्ड नंबर 3, योगेश्वर पटेल वार्ड नंबर 9, द्रौपदी मंडावी वार्ड नंबर 15, रमेश कश्यप वार्ड नंबर 7, सीमा सिन्हा वार्ड क्रमांक 4 शामिल है। बता दें कि 19 जून को छुरिया नगर पंचायत के भाजपा के उपाध्यक्ष सलमान खान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरुद्ध काम करने को लेकर अपने 8 भाजपा पार्षदों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। बता दें कि छुरिया नगर पंचायत में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में बने हुए दुकानों के आवंटन को लेकर लगातार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है और उपाध्यक्ष सहित पार्षदों ने कांग्रेस के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियां और आचरण के लेकर के 8 भाजपा के निर्वाचित पार्षदों को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। छुरिया में बीजेपी से 8 लोग निर्वाचित होकर आए थे और 8 के 8 को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इनकी गतिविधियां अभी पिछले 1.5 महीने में लगातार पार्टी विरोधी रही है। जनहित के मामलों में भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग सत्ता पक्ष के साथ मिलजुल करके जनता के कामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने उनको नोटिस दे करके समझाइश भी दिया कि हम जनहित के मुद्दों पर विपक्ष का एक मजबूत भूमिका अदा करें, लेकिन ऐसा कुछ उनके जवाब से संतोषजनक जवाब मिला नहीं और इसीलिए हमको इस सबको निकालना पड़ा।